हे गाइस, आज की वीडियो है स्नो रनर सर्च एंड रिकवर। जो स्नो रनर का रीसेंट वर्जन है उसका अपडेटेड वर्जन आया है 15 जुलाई को। तो आज हम देखेंगे कि GD1030 पे किस तरह वॉक करता है, ये 1080p पे चल पाता है ठीक से कि नहीं। आप देख सकते हैं सारी सेटिंग 1080p पे थी और टेक्सचर भी हाई पे था। अल्ट्रा पे भी चला के देखेंगे हम, अभी हाई पे चला के देखते हैं। 30 FPS आ रही है आराम से, बाकी गेम तो स्मूथ चल रहा है। अपडेटेड वर्जन में बहुत सारी न्यू कार्स आई हैं और ट्रक भी आए हैं। बाकी ये रैम आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट 7 GB तक यूज़ कर ले रहा। अगर आपके पास 16 GB की रैम है तो वो बहुत अच्छी रहेगी, गेम और ज़्यादा स्मूथ चलेगा। आप लग और हाई सेटिंग पे भी चला सकते हो फिर इसको, क्योंकि ये और ज़्यादा हाई सेटिंग करेंगे तो रैम और ज़्यादा यूज़ करेगा। मेरे पास 8 GB की रैम है सिर्फ, तो मैंने सेटिंग स्टिल तब भी ग्राफिक की हाई पर, बाकी सब लो पर रखा है और ऑफ भी है बहुत सारा। आपने स्टार्टिंग में देखी होंगी सेटिंग्स, अभी अल्ट्रा सेटिंग्स पे भी हम चला के देखेंगे। बाकी अभी सन की लाइट को भी ऑफ कर सकते हैं, गेम थोड़ा और स्मूथ चल जाएगा उससे। बाकी आपको गेम चाहिए होगा तो गेम का डाउनलोड लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड है और उसका अपडेटेड वर्जन जो अपडेट हाई है वो भी आपको साइट पे मिल जाएगी, आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पहले गेम इंस्टॉल करें उसके बाद अपडेट को इंस्टॉल करें। बाकी आपको इसमें जो मिलेगा सर्च, ये आप मैप पे देख सकते हो, मैप पे आप कहाँ जाना है उसके बाद क्या करना है, और आप सर्च कर सकते हो न्यू व्हीकल आपको इसमें, तभी तो सर्च और रिकवर न्यू व्हीकल आपको मिलेंगे लोकेशन पे पहुँच के। अब हम अल्ट्रा पे चला के देखते हैं कि अल्ट्रा पे कितना स्मूथ चलता है। बाकी रिकॉर्डिंग से तो आपको पता ही है कि FPS गिर जाती है 8 to 10। इस समय अल्ट्रा पे भी बहुत स्मूथ चल रहा है और ज़्यादा FPS दे रहा है, मैं भी 1-2 FPS ज़्यादा आ रही है इसकी अल्ट्रा सेटिंग पर। तो GD1030 पे ये गेम चल जाएगा आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक बटन ज़रूर दबाएं। गेम प्ले एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।